फोल्डेबल देखिए, ऐसे फोल्ड हो जाता है। वाओ, आप लेके इसको आराम से, मैं साइड में लेके जा सकता हूँ, आपको दिखेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं एकदम पॉइंटेड मेरा टूल है, इससे मैं स्क्रैच करना चाहूँ स्क्रैच जल्दी से नहीं होगा ये। अच्छा, अब इसमें दिखाऊं तो, ओहो ये देखिए स्टैंड, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं पूरा चढ़ा हुआ, मैं बस गिर नहीं जाऊं। स्प्रे गन से इसको पहले पाउडर कोटिंग करी जाती है, फिर इसको बेक किया जाता है भट्टी के अंदर। अच्छा, तो हम पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके इसको बनवाते हैं। ये हमने यहाँ पे इसमें रबर लेग्स दे रखी हैं। नाइस। इससे कोई भी जंग आपके फर्श पे, मार्बल पे नहीं आएगा। अच्छा। अब ये सारे पीस अलग अलग हो जाते हैं। अरे वाह, ये सारे अलग अलग पीस हो जाते हैं, चाहे इसमें दो आदमी तीन आदमी भी खड़े हो जाओ, ऐसा स्टैंड है। टेस्ट भी हो गया वापस, ठीक है, तो आप इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला दिक्कत, आप बैठ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मजबूत है। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो ऑर्गेनिक घरे पे। और दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपको लेके आ चुका हूँ पॉपुलर नर्सरी बालाजी नर्सरी में, और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन सर्विसेज, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे साथ एक बार फिर से है गौरव सुरेखा जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे राधे राधे सर, थैंक यू सो मच आपने मुझे आज एक बार फिर से अपनी नर्सरी में इनवाइट किया और मुझे बहुत सारे प्लांट स्टैंड दिखाने का मौका दिया है। और साथ ही में ये खुशखबरी सुनकर तो मैं काफी खुश हूँ कि आपने फाइनली ऑल ओवर इंडिया सर्विस स्टार्ट कर दी है। एकदम एकदम संदीप जी, काफी टाइम से रिक्वायरमेंट आए थे हमारे कस्टमर की, जो कस्टमर्स देखते हैं हमारी वीडियो तो वो भी जानते हैं इस चीज को कि काफी टाइम से हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कर रहे थे। तो अब हमने ऑल ओवर इंडिया शिपिंग चालू कर दी है हमारे सारे प्रोडक्ट्स की। तो जो भी कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से हमें प्यार देते हैं अब वो हमारे प्रोडक्ट का लुत्फ भी उठा सकते हैं। और साथ ही साथ तो सिंगल प्रोडक्ट भी भेजेंगे या बल्क में भेजने वाले? नहीं नहीं, सिंगल बल्क जैसा मर्जी आपको चाहिए। अच्छा। हर तरीके से सिंगल पीस भी आपको मिलेगा। ओके। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप हमारे उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। हाँ। उससे आपको कैटलॉग वगैरह शेयर हो जाएगी और चूज करके आप हमसे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने लगभग 2 से 3 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक रील बना के डाली थी इनकी नर्सरी की। मैं ऐसे यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना कुछ कंटेंट डाला जाए। तो मैंने एक प्लांट स्टैंड दिखाई थी जिसमें फोल्डिंग स्टैंड दिखाई थे, कुछ और भी स्टैंड की वैरायटी दिखाई थी। तो उसे 2-3 दिन में ही 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो सर से मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने इनसे बात करी, सर कितनी वैरायटी है? तो सर 100+ वैरायटी है। 100+ वैरायटी हो चुकी है संदीप जी, मैं आपको बताऊं। हम थोड़ा जब लास्ट हमारी वीडियो बनी है उसके बाद से बहुत ज्यादा वैरायटी इंक्रीज हो चुकी है। Okay. और इसमें हम कलर ऑप्शन भी हम देने लग गए हैं अब। तो आप उस चीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं, प्लस इसको मंगवा सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होने वाला है, एड्रेस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन मैंने कर दिया है, तो आप इजीली कांटेक्ट कर लेना। तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे ही अलग अलग नर्सरी में विजिट करता हूं और भारत के अलग अलग टेरेस गार्डन को अपने चैनल पर लेकर आता हूं। तो अगर आप ऐसी गार्डनिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन में जरूर क्लिक करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो करें, क्योंकि जब भी कहीं विजिट करता हूँ तो वहाँ की रील्स भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आती है। साथ ही मैं फेसबुक पे जाता हूँ लाइव, ताकि आपको पता चल जाए अभी मैं कहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह जाके फॉलो जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ संदीप जी, अब हम अपने मेन कंटेंट पे आ जाते हैं जो हमारा स्टैंड की रेंज है, हम वो दिखाना चालू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में जो भी हमारी सबसे सस्ती रेंज है और उससे ऊपर लेते हैं 1 पॉट का जो स्टैंड है, उसका 2 पॉट्स 3 पॉट्स 4 पॉट्स ऐसे करते करते हम बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से उसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं अपना सबसे सस्ता वाला जो स्टैंड है वो है हमारा ये हैंगिंग वाला स्टैंड, जो स्टार्ट होता है सिर्फ 100 रुपीज से, 100 रुपए से, सिर्फ 100 रुपए से चालू होता है। कि कोई भी आज अपने घर में बास्केट लगाना चाहता है, एक यूनिक लुक देना चाहता है अगर, तो अपनी दीवार पे इसको स्क्रू करके यहाँ पे बास्केट टांग सकते हैं बड़ी सुंदर तरीके से। नाइस। अब इसी के अंदर हमारे पास एक और डिजाइन एड ऑन हुआ है जो थोड़ा और हेवी क्वालिटी में, अगर आपको अच्छी बास्केट टांगनी है तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, आप दोनों तरीके से इस पे बास्केट हैंग कर सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो आपकी बास्केट हैंग हो सकती है। अच्छा, दो हो सकती है। यस, नाइस। उसके बाद आपको मैं दिखाऊं अगर सिंगल वाले के अंदर ही, सिंगल पॉट के अंदर हमारे पास एक ये स्टैंड भी है। अच्छा, फोल्डिंग, ये फोल्डेबल स्टैंड है। वाओ। तो आप कभी आपका यूज में नहीं आ रहा है स्टैंड, तो आप इसको साइड में रखना चाहते हैं तो क्या होता है, स्टैंड जगह बहुत घेरता है अगर इस पे पॉट ना रखो आप, तो आप इसको स्टैंड को फोल्ड करके आप अंदर भी रख सकते हैं, बाकी आप इस पे आराम से कम 14-15 इंच का गमला रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टैंड मैं आपको दिखाऊं, एक ये बड़ा ही सुंदर ये राउंड शेप का स्टैंड है हमारे पास जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर में अवेलेबल है। ओके। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा दिखा रहे सर,
ये वाला स्टैंड हमारा 300 रुपीज का है संदीप जी। क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी आप ये देखें ना, छोटा स्टैंड है, आप अगर देखें मैं इसमें पूरा खड़ा हो गया आराम से। Nice. और आप जानते हैं कि नॉर्मल एक पॉट होता है मैक्सिमम कितना होगा, 10 किलो। आपका वजन कितना? मेरा वजन है 72 तो मैं 72 किलो का आराम से खड़ा हूँ इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड स्टैंड की, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में मिल रहा है। साथ ही मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इस पे पेंट किया हुआ है वो किस टाइप का पेंट है, कब कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो सब पता होना चाहिए। क्या संदीप जी मैं आपको बताता हूँ, ये पेंट नहीं है। ओके, आपको अगर मैं ध्यान से दिखाऊं जी, ये एक्चुअली पाउडर कोटिंग है। ओके, इस पे मैं आपको अगर कोई चीज रगड़ के भी दिखाऊं ना, अगर मैं इसको स्क्रैच करना चाहूँ कोई नकली चीज, अभी मैं हाथ में अगर मैं कोई भी नकली चीज से स्क्रैच करूँ तो ये स्क्रैच नहीं होगा जल्दी से। ये आप देख सकते हैं एकदम पॉइंटेड मेरा टूल है, इससे मैं स्क्रैच करना चाहूँ स्क्रैच जल्दी से नहीं होगा ये। ओके, तो इस चीज का ये फायदा होता है कि अगर आपने पाउडर कोटिंग कर रखी है, जो कि हमारे सारे ही स्टैंड में आपको मिलती है। अच्छा, चाहे आप कोई भी कलर पाउडर कोटिंग करी हुई है, सारे सारे स्टैंड हमारे पाउडर कोटेड है। ओके, तो इसमें क्या जल्दी से आपका पेंट हटेगा नहीं, पेंट अगर हटेगा नहीं तो उसमें जंग लगेगा नहीं, तो इस चीज की ये बेनिफिट होती है। नॉर्मल जो स्टैंड्स होते हैं जो थोड़े सस्ती रेंज के होते हैं उनमें एक्चुअली पेंट होता है, पपड़ी बन के हट जाता है पेंट, पपड़ी बन के हट जाता है, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं होती, फटाफट हटता है वो। इसमें तो क्या होता है, इनको पहले पेंट किया जाता है, मतलब स्प्रे गन से इसको पहले पाउडर कोटिंग करी जाती है, फिर इसको बेक किया जाता है भट्टी के अंदर। अच्छा, तो हम पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके इसको बनवाते हैं, वो चीज है। ठीक है, अब मैं इसमें एक इसी बीच में ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा संदीप जी, बहुत सारे ना कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं कि आपके स्टैंड में महंगे लग रहे हैं, हम ऑनलाइन तो बड़ा सस्ता देख के आए हैं, वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते कि वो कितना पतला और कितना कमजोर सा स्टैंड होता है। अब मैं आपके व्यूअर्स को दिखाने के लिए ना मैंने उसी टाइप का स्टैंड मंगाया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सिंगल पॉट का स्टैंड है। अच्छा, एक तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप अगर कंपेयर करें तो जो इसकी मेटल की मोटाई है, जो चौड़ाई है और जो वेट है वो आप देखेंगे तो बहुत कम है इस वाले का, जो ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन वाला है? हाँ, ऑनलाइन ये बहुत लोग बिकता है, जो ऑनलाइन सेलर्स हैं इस टाइप के स्टैंड्स लेते हैं और आपको भेजते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसके अंदर स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता, आप देखने में तो आपको लगे कि हाँ इतना बड़ा है इसे पॉट आ जाएगा, पर मैं आपको अगर दिखाऊं इसको, तो मैंने आपको चढ़ के दिखा दिया। अच्छा, अब इसमें दिखाऊं तो ओहो ये देखिए स्टैंड, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खत्म हो गया। ये मैंने अभी हल्का सा बस पैर रखा है, मैं चढ़ भी नहीं पाया था अभी, ये खत्म हो जाता है, कुछ भी इसके अंदर होता नहीं है एक्चुअली। तो आप सामान जो भी आप लेते हैं वो आपकी मर्जी, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये चाहूंगा कि आप जो भी सामान लेना तो कम से कम ड्यूरेबल तो हो, सस्ता महंगा वो अलग चीज है। आज हम ये चाहते हैं कि हमें कोई सामान ले तो कुछ साल चले तो सही, वरना तो मेरे पैसे वेस्ट हैं, तो कस्टमर्स का वो नुकसान नहीं होना चाहिए कभी भी। बिल्कुल, तो कभी भी आप देखें तो आप देखें कि स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, मतलब इतनी सारी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उस पे इसी टाइप के स्टैंड मिलते हैं, ब्लैक कलर के अक्सर आपने देखे होंगे फ्रेंड, ब्लैक कलर की टाइप की पतली पतली वायर्स वगैरह होती है उसमें, तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको कोई मंगवाने का फायदा नहीं है, वो लोहा लोहा ही नहीं, आप समझ लो प्लास्टिक का मंगा रहे हो एक तरह से, उसमें इतना पतला कर देते हैं वो लोहे की रॉड को एक तार की फॉर्म में एकदम कर देते हैं, वो एकदम स्ट्रेंथ उसमें बचती नहीं है। अच्छा, अब मैं आगे आपको स्टैंड दिखाना चाहूंगा संदीप जी, एक और सिंगल के अंदर हमारे पास स्क्वायर शेप का, मतलब इसका जो ऊपर से स्क्वायर शेप है ये स्टैंड भी अवेलेबल है। नाइस, ये हमारे पास है 320 रुपए का। वाओ, ये भी आप ले सकते हैं सिंगल पॉट के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज बताना चाहूंगा संदीप जी, जो हमारे सिंगल पॉट है ना, सिंगल पॉट वाले स्टैंड के अंदर फायदा क्या होता है, बड़े से बड़ा पॉट इस पे रख सकते हैं। अच्छा, क्यों? साइड में कोई चीज इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करे रखने के लिए। आज मैं आपको दिखाऊं, अगर ये बड़ा मेरे पास 15 इंच का पॉट है, अच्छा मैं इसको 15 इंच का पॉट भी रख सकता हूँ, छोटा पॉट मेरे को रखना है मैं छोटा पॉट भी रख सकता हूँ, 15 इंच से बड़ा 18 इंच का रखना है मैं वो भी रख सकता हूँ। तो सिंगल पॉट उतना वजन ले भी लेगा। हाँ जी, ये उतना वजन ले भी लेगा, ये वजन आप समझ लीजिए ना, आप ये देखिए वापस चढ़ के दिखाता हूँ, मैं पूरा चढ़ा हुआ मैं बस गिर नहीं जाऊं उसे के दिखाने के चक्कर में, ये कहीं नहीं जाता स्टैंड आपका, एज इट इज रहेगा, आप आराम से इसको यूज करते जाइए, आप गिन नहीं पाएंगे कितने साल चलेगा ये। नाइस, ठीक है जी, उसके बाद अब मैं आपको एक और एक बड़ा यूनिक सा सुंदर सा दिखाता हूँ स्टैंड, जो कि हमारे सिंगल पॉट का है, बड़ी साइकिल की शेप में है। नॉर्मली आप जो साइकिल की शेप देखते हैं वो ये वाली शेप आती है, बहुत ही क्यूट है ये तो। ये बहुत क्यूट, जनरल नर्सरी में ऐसे जनरल नर्सरी में ये वाली मिलती है। ओके, ये वाले में 3 पॉट का होता है, बट ये थोड़ा छोटे साइज में आप इंडोर रख सकते हैं। और क्वालिटी देखिए फ्रेंड कितना हैवी इसमें लगा रखा है, ये आपको मैं बताऊं इसके अंदर इससे ज्यादा वेट है। जी जी जी, ये इसके अंदर पूरी डिजाइनिंग हो रखी है बहुत सुंदर, और ये हमारे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है, आप देखिए इसके अंदर पॉट भी अगर आप लगाएं कितना सुंदर पॉट लगता है, कितना सुंदर लग रहा है, रखा वही ऐसा लगता है कि मजा आ गया आपको। नाइस, तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं आउटडोर भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो हमारे और 3 पॉट वाले स्टैंड्स हैं। जी, इसके अंदर आप देखें हमारे पास ये 3 पॉट का स्क्वायर शेप में ये वाला स्टैंड है। वाओ, ये आप ले सकते हैं हमारे पास 3 शेप में, इसी में स्क्वायर शेप में हल्का सा बड़ा साइज, ये आप देख सकते हैं
कि आपको अगर बड़े पॉट रखने हैं थोड़ी और जगह चाहिए वो आप ले सकते हैं। नाइस। उसके बाद थोड़ा आपको सस्ते में भी चाहिए क्वालिटी अच्छी के साथ, तो इसमें डिजाइनिंग नहीं होगी, थोड़ा बेसिक स्टाइल है okay. तो इसलिए थोड़ा सस्ता हो जाता है। ये कितने का आ जाएगा? ये आपका 500 रुपीस का हमारा स्टैंड है okay. पूरे 3 पॉट आप आराम से रख सकते हैं इसके ऊपर। नाइस, ठीक। तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर फिर फर्दर डिजाइनिंग थोड़ी सी ऐड हो गई, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये 3 पॉट का एक और स्टैंड है। ऊंचा चाहिए तो ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचा पॉट हो गया। इसके अंदर भी आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ही सुंदर लगता है पॉट रखा हुआ। ओके। आप अगर साथ ही साथ पॉट रख के भी आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, समझ में आए राइट, कि क्या चीज आप रख रहे हैं और कैसी लगेगी उसके बाद। नाइस। ये कितने का मिल जाएगा हमारे को? ये वाला स्टैंड है संदीप जी 2000 रुपीस का, 2000 रुपए का, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मेटल बहुत ज्यादा यूज हुआ है और इसके अंदर हाइट भी अच्छी है, इसकी हाइट भी अच्छी है, इसकी कलाकारी इसके अंदर है जी। आप जितना सिंपल स्टैंड लेंगे वो उतना सस्ता पड़ता है जी, क्योंकि जो हमारा वर्कर है उसको तो हमें देना पड़ेगा ना, जो भी उसका काम होता है। बिल्कुल। उसके बाद आप जैसे देखेंगे इसके अंदर भी सेम इस तरीके से लग जाते हैं पॉट्स। वाओ, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्रिपल स्टेप के अंदर एक ये वाला स्टैंड भी हमारे पास, ये देखिए, ये भी काफी खूबसूरत लगता है। ये स्टेप वाइज फॉर्म में है, बट इसका डिजाइन देखेंगे सीधा नहीं है, बड़ा घुमावदार और सुंदर सा डिजाइन है, बहुत सुंदर डिजाइन है इसका। तो आप इस पे भी आप अलग अलग साइज के गमले रख सकते हैं जी। इसके पीछे वाला देखते हैं, ये देखिए, इसके पीछे वाला आप देखेंगे ना, ये जैसे ट्रॉली की शेप जिसे ये बनाता है, ये इसमें आप 4 गमले रख सकते हैं, 1, 2, 3 और 1, 4 वहां पे आ सकते हैं। तो ये भी काफी खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर। अच्छा, साइकिल के स्टैंड में भी आपको दिखाऊं, इसमें भी 3 आपको गमले मिल जाते हैं रखने की जगह। Okay. इसी के अंदर हल्का सा डिफरेंट स्टाइल भी एक हमारे पास है। अच्छा। जो थोड़ा सा सिंपल है। वाओ। उससे हल्का सा सिंपल है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। साइकिल में भी वैरायटीज आपके पास? वैरायटी मेरे पास 3 वैरायटी है। प्लस मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ स्टैंड्स के अंदर हमारे पास कलर्स भी अवेलेबल है, जैसे ब्लैक और व्हाइट मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। जी, जी, जी। आप हमारे पास ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। अच्छा। पर थोड़ा सा टाइम लगता है कस्टमाइजेशन में, पर हम वो भी करके देते हैं। अच्छा, कोई अगर अपना डिजाइन दे तो आप बनवा देंगे उनका? अपना डिजाइन दे, अगर साइज दे तो बनवा सकते हैं। okay. बस ये कि वो पॉसिबल हो बनाना। ओके। okay. उतनी बात होती है, बाकी हम बनवा देते हैं। पिक्चर किसी के पास हो, कहीं देखा हो, उन्होंने अच्छा लगा हो, वो आपसे बन जाएगा। okay. बट ये कि थोड़ा सा उसमें हम ये चाहते हैं कि एक सिंगल पीस बनवाना आप भी जानते हैं मुश्किल हो जाता है, तो कम से कम एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हो जाए ताकि वो बनवा पाए और हमें भी कॉस्टिंग उसकी पड़ पाए, क्योंकि नया स्टाइल बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, वो वाली चीज है। आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये कितना मजबूत स्टैंड आपके सामने है। अब ये देखिए, ये वाला ना स्टैंड आपका सिंगल स्टेप के स्टाइल का है। आप ये देखिए, इसको मैं भी आपको मैं चढ़ के दिखाता हूँ आराम से। देखिए कितना हैवी है। ये सारे स्टैंड्स तो हमारे सारे स्टैंड्स ऐसे हैं, अगर वो छोटा वाला झेल गया तो ये तो आराम से झेल जाएगा। बिल्कुल। चाहे इसमें 2 आदमी 3 आदमी भी खड़े हो जाओ, ऐसा स्टैंड है। इसके अंदर आप देखते हैं, नॉर्मल जो स्टैंड आता है स्टेप वाला, उसके अंदर 3 गमले आते हैं जी। इसके अंदर ये अलग से एंगल दिया हुआ है, जिसमें एक और एक गमला और आया था, इसमें 5 पॉट्स आ जाते हैं। एक बार 5 आ जाते हैं, और इसमें ना ये आपका रेलिंग दे रखी है, पॉट ना गिरे इसके लिए रेलिंग। हाँ, आप फ्रंट से आप अपना रख दीजिए पॉट जी, और पीछे की साइड या साइड की साइड आपका पॉट गिरेगा नहीं कभी। राइट। अब ऐसे पीछे एक ये वाला स्टैंड है हमारे पास, जो 4 पॉट्स आते हैं जिसके अंदर। वाओ। ये भी काफी खूबसूरत लगता है। 3 पॉट नीचे आ जाएंगे और एक ऊपर आ जाएगा इसके अंदर। इसी के साइड में देखिए फ्रेंड, कम स्पेस में आपको ज्यादा पॉट लगाने हैं तो ये स्टैंड हो गया, एक ऊपर लगेगा और इसी में ही नीचे 3 लग जाएंगे। आप देखेंगे ना, छोटे से स्पेस में आपका आ जाएगा, किसी की छोटी बालकनी है ना, हाँ, तो उसके लिए स्टैंड बिल्कुल परफेक्ट। ये सारे स्टैंड जो ऐसे हैं आपके, जो कम स्पेस में आपको ऊंचाई में रखने हैं स्टैंड जी, तो उसमें आप जितने में 2 गमले रख पाएंगे उतनी स्पेस में आपके 4 गमले आ गए, 5 गमले आ गए, वो चीज है। अभी तो मैं आपको ऐसे कई स्टैंड दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहे, 100 से ज्यादा यहाँ पे स्टैंड्स की वैरायटी है, तो एकदम मैक्सिमम तो मैं कवर करने ही वाला हूँ। और आगे चलते हैं, आप प्लीज मिस मत करिए इसके अंदर, हाँ। क्योंकि हम कुछ कुछ स्टैंड्स अभी और भी जो यूनिक कहीं मिलते ही नहीं है, मिलते नहीं है, वो आपको देखने को मिलेंगे। आप अभी भी बहुत सारे स्टैंड ऐसे देख चुके हैं और मैं यूनिक आपको दिखाने जा रहा हूँ जी। अब जैसे सिंगल स्टेप नॉर्मल प्लेन, जिनको बेसिक चाहिए, जिनको भाई बहुत ज्यादा डिजाइन का शौक नहीं है, कहते हैं कि बस एक सुंदर एक क्लासिक लुक आनी चाहिए, तो ये वाला स्टैंड भी ले सकते हैं। Nice. इसमें एक चीज अच्छी आपको क्या बता रहा हूँ, हमारे पास मिलती है कि नॉर्मली नीचे से लोहा होता है जी। ये हमने यहाँ पे इसमें रबर लेग्स दे रखी है। Nice. इससे कोई भी जंग आपके फर्श पे मार्बल पे नहीं आएगा। अच्छा, देखते हैं कि स्टैंड के नीचे जंग दिखाई जंग आ जाता है, आपको देखेंगे ऑरेंज या ब्राउन कलर का निशान आ जाता है, वो बड़ा ना अच्छा सा नहीं लगता। आज हम स्टैंड लगा रहे हैं, क्लीन करो रोज दिखेगा, वो दिखेगा ही दिखेगा, क्लीन होएगा ही नहीं। और क्या है, आप कोई भी स्टैंड लगा रहे हो तो सुंदरता के लिए लगा रहे हो जी, तो वो सुंदर वो खराब कर देता है। अब ये देखेंगे, आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। ओके। बट मैं रेकमेंड करूंगा ना हटाएं। Nice. ये काफी इसकी लुक भी अच्छी हो जाती है, प्लस आपको जंग से भी बचाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आपको एक इसी में, संदीप जी अब क्या है, कुछ कस्टमर्स आते हैं कि यार हमें स्टैंड की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है पर हमें स्ट्रेंथ वही चाहिए पर रेट कम चाहिए। अच्छा। तो हमने एक नया ऑप्शन निकाला सिंगल स्टेप में, ये वाला। ओके। इसमें भी पूरी
स्ट्रेंथ है इसका, हल्का सा डिजाइन चेंज है और ये हमारे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है। Nice. तो इस वाले स्टैंड से काफी सस्ता आपको पड़ता अच्छा, है। एक बात मैं और एड ऑन करना चाहूंगा भैया, ये हाँ जो आपने डिजाइन दिखाया ना, ऑनलाइन जो मिलते हैं स्टैंड इसी डिजाइन में होते हैं, जो क्वालिटी आपने दिखाई थी ना पैर से टूट गया था वो क्वालिटी होती है। दो चीज है उसमें, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्वालिटी आपने हैवी यूज करी हुई है, ये पूरी हैवी क्वालिटी है। प्लस आप ध्यान देंगे ना, कभी वीडियो में देख के समझ में आता है उसका साइज भी छोटा होता है, हाइट भी कम होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ कम होती है। प्लस जो लोहा लगा हुआ है ये तो प्रॉपर एक रॉड लगी हुई है, वो पतली तार सी होती पतली है, तार सी होती है राइट। तो उसके अंदर आज समझ लो जितना वेट इसके अंदर गया है ना, उतने में कम से कम वो वाले 6 स्टैंड बन जाएंगे, 5 स्टैंड बन जाएंगे, वो वाली चीज होती है। अच्छा अब यूनिक आइटम मैं आपको एक और दिखाता हूँ संदीप जी, एक ये हमारा कॉर्नर वाला स्टैंड है। अब ये कहेंगे कॉर्नर का तो दिख नहीं रहा, ये एक्चुअली फोल्डेबल पीस है इन टर्म्स ऑफ, आप इसको ये अभी 5 पॉड का आपको दिख रहा है, अब ये सारे पीस अलग अलग हो जाते हैं। अरे वाह, ये सारे अलग अलग पीस हो जाते हैं। आपको अगर इसी को कॉर्नर में लगाना है तो आपने ये लिया, अच्छा एक इसको ऐसे लगाया, एक इसको ऐसे लगाया, वाओ, और ये आपका कॉर्नर बन गया। मतलब इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हम, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो इसको अलग रखूंगा, अच्छा और इनको अलग रखूंगा, ओके ये भी तो आप ये कर सकते हैं। आपको अगर लगे नहीं इसको तो मैं कहीं और ही रखूंगा, इस वाले को सीढ़ी की उस साइड रखूंगा, इस वाले को ऐसे रखूंगा, तो इसकी अपने आप में 3 स्टेप का बन गया। तो आप इसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अंदर एक और खास बात, अगर आपका मन है कि हमारे से सिर्फ ये वाला मैं स्टैंड लूं, अच्छा कि बालाजी नर्सरी वाले आप मेरे को ना ये वाला स्टैंड दे दो सिर्फ, तो हम आपको ये भी दे सकते हैं अलग से। अच्छा आप अलग से चाहें कि ये चाहिए तो ये भी दे सकते हैं। अच्छा और पूरा सेट चाहिए तो सेट भी दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ। पीछे मैं देख रहा हूँ सर एक और कॉर्नर स्टैंड है जो कि बहुत ही जबरदस्त डिजाइनिंग है इसकी, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे दिख रहा है कि इसमें भी कुछ आपने किया हुआ है, क्या है इसमें सिस्टम बताएंगे? इसमें थोड़ी सी कलाकारी है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास नॉर्मल स्टैंड होता है वो हमने पहले की वीडियोस में दिखा रखा है। हाँ। अब ये वाला स्टैंड भी फोल्डेबल है। अच्छा ये हमने फोल्डेबल बनवाया है। वही मैं देख रहा था कि इसमें नट्स वगैरह मुझे ये नट्स हैं। हाँ। ये क्या होगा, ये जितने आपके स्टेप्स हैं आप देखें अगर ये सारे खुल जाते हैं, सारे खुल जाएंगे, और ये स्टैंड ऐसे बंद होके आप कहीं भी साइड में रख सकते हैं आपको अगर यूज में ला। सबसे अच्छी बात है कि डिलीवरी बहुत इजी हो जाएगी। हाँ आपको आराम से कहीं पे भी आप मंगवा सकते हैं स्टैंड को, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप देखेंगे इसके अंदर जो पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है ये काफी खूबसूरत लुक देता है आपके एरिया को, जहाँ पे भी आप इसको लगाते हैं बहुत ही सुंदर। तो ये स्टैंड आप ले सकते हैं, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रेंथ इशू कोई नहीं है। आप ये देखिए स्टैंड पे मैं खड़ा हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसके बाद आपको मैं एक स्टैंड दिखाना चाहूंगा जो कि एकदम ही इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पर फोल्डेबल फिर भी है। ये है ये 3 पॉड का स्टैंड जो आप देखें, काफी सुंदर लग रहा है, बहुत ही छोटे स्पेस में आप इजीली 3 पॉड बहुत आराम से। और ये मैं आपको बताऊं आउटडोर के अलावा इसको भी आप इंडोर में बहुत आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा सा है और ये फोल्डेबल है। ये फोल्डेबल देखिए ऐसे फोल्ड हो जाता है, वाओ, आप लेके इसको आराम से, मैं साइड में लेके जा सकता हूं आपको दिखेगा भी नहीं, आप कहीं पे भी आप रख सकते हैं, कोई स्पेस आपको इसमें जाएगी नहीं रखने में। और इसको आप खोल देंगे तो आप 3 पॉड रखेंगे, बड़े सुंदर लगते हैं। इसका प्राइसिंग बताइए कितने का है ये संदीप जी? इसका प्राइस है हमारा 1800 रुपीस का, 1800 रुपए में। फ्रेंड देखिए फोल्डेबल हैवी क्वालिटी में आपको, और ये भी इतना ही हैवी, इसमें थोड़ा सा मेरे को बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये भी पूरा आपका मजबूत है। अच्छा चलिए ये अच्छी बात है कि आप हर एक स्टैंड की क्वालिटी साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ, ताकि जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स उनको पता चले कि स्टैंड सारे आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, सुपर क्वालिटी है। और प्राइसिंग साथ साथ आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ताकि आपको शॉपिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, साथ ही में बाई चांस अगर किसी की प्राइसिंग रह गई है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए, मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे हमारा कैटलॉग बना हुआ है, आप उस पर देख के आराम से देख सकते हैं ट्रांसपेरेंटली कि हमारे क्या प्राइसेस हैं। हमारे प्राइसेस हमने हर एक के फिक्स कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछेंगे तो हम चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हमारे पास, इतना टाइम ही नहीं होता जी। इसके बाद हमने एक पहले स्टैंड दिखाया था आपको, उसी का डबल स्टेप है ये, वाओ। इसमें आप 3 गमले इधर, 3 और एक इधर रख के आप 8 गमले टोटल रख सकते हैं, 8 गमले आराम से आ जाएंगे आप इसमें रख सकते हैं। साथ साथ ये हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट भी हो गया वापस, ठीक है, तो आप इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला दिक्कत, जितने आप मर्जी पॉट रखो, चाहे आप इसमें जाके बैठ जाओ, आपका मन करे तो आप बैठ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मजबूत पूरा है, ठीक है जी। नाइस। उसके बाद डबल स्टेप के अंदर ही मैं आपको एक और स्टाइल दिखाना चाहूंगा, एक ये हमारा है, ओके। इसमें हमारे पास 2 वेराइटी है, मतलब 6-6 स्पॉट्स के लिए, 6-6 स्पॉट्स के लिए, थोड़ा सा ऊंचा है और थोड़ा सा नीचे है। हाँ, ये वाले पे आपको 6 पॉट आएंगे, बट इसके स्टेप्स का साइज हल्का सा नीचे है, जैसे कई बार लोग होते हैं कि यार इतना ऊंचा अच्छा नहीं लग रहा, कोई बोलता है नहीं 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 मेरे को इतना कम हाइट नीचे, थोड़ी ज्यादा हाइट, मतलब हाइट में भी वेरिएशन आपके पास वेरिएशन है, मिल जाएगा राइट, ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। इसमें भी आप देखेंगे जैसे कि इसके अंदर रबर लेग्स लगी हुई है जी, ये रबर लेग्स कई बार निकल जाती है हमारी,
दिखाने में, डबल एक्स ऑप्शन है, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, ठीक है। पीछे चलते हैं फ्रेंड, देखिए ट्रिपल स्टेप्स में भी आपको मिल रहे हैं और इसमें भी हाइट आपको मिलेगी। ये आ गया है बड़े वाला, इसके बगल में ये छोटे वाला और इसके बगल में सबसे छोटे वाला, इसमें हल्का हल्का फर्क पड़ता है बस हाइट का जी। अब इसमें एक चीज दिखाऊं, ये वाला ट्रिपल स्टेप भी आपका हो गया, ये ऊंची हाइट का है जी। इसमें करीबन 10 इंचेस का एक स्टेप है, मतलब 10 इंचेस, 20 इंचेस, 30 इंचेस। ओके, इसके बाद आप देखेंगे ये वाला स्टेप बहुत खास है संदीप जी। वाओ, ये एक्चुअली फोल्डेबल है ये आगे फिर से देखिए, ये हल्का सा मैंने पेंच इसके लूज करवाए हैं ताकि आपको दिखा पाऊं जी कि ये फोल्डेबल है, इसको टाइट कर देंगे तो हिलेगा नहीं है। ओके, ये आपके सारे स्टेप अलग हो जाते हैं और इसके साइड का पार्ट अलग हो जाता है। नाइस, तो आपको कभी यूज में नहीं आता है, चाहे कोरियर में आप मंगाना चाहें, बहुत ही आराम से आएगा। इसमें अगर आप कभी शिफ्ट कर रहे हैं अपना घर वगैरह तो इजीली शिफ्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कुछ सामान है, सीधा आपने फोल्ड किया और आप चल दें। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अच्छा, लेग्स इसके अंदर भी आती है रबर की जी संजीव जी। अब ये इसमें आपको दिखाऊं, ये 5 पॉट वाला हमारा स्टैंड है, बड़ा ही खूबसूरत। इसमें आप देख सकते हैं बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, ये आप ले सकते हैं फॉर 5 पॉट्स। इसके बाद एक ये स्टैंड है हमारा, ये काफी कम स्पेस में आप इसके अंदर 6 गमले लगा सकते हैं। वाओ, 3 आपके नीचे आ जाएंगे और 3 ऊपर आ जाएंगे, और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि यूनिक सा राउंड शेप है, राउंड शेप में मिल रहा है। उसके बाद एक ये, इसको हम प्यार से हमने इसका नाम रखा हुआ है उल्टा दिल तो ये उल्टा दिल इसके में बनता है एक्चुअली, इसलिए इसका हमने नाम ऐसा दे रखा है। okay. इसमें स्टैंड के अंदर भी आप 6 पॉट्स रख सकते हैं बड़े ही आराम से। और ये भी सारे स्टैंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वापस, कि काफी मजबूत है। इसमें एक्चुअली बैलेंस बनाना मुश्किल है मेरे लिए, मैं आपको चढ़ जाऊं अगर अब मैं बड़ा मुश्किल हो रहा है एक्चुअली इसमें बैलेंस बनाना बट ये कहीं पे भी जाएगा नहीं, क्वालिटी अच्छी है, राइट। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे ये स्टेप, ये वाला भी हमारे पास स्टैंड है जिसमें 3-2 नीचे फिर 1 टॉप पे और बीच में आप 1 या 2 पॉट रख सकते हैं। नाइस, ये भी बड़ी अलग शेप का है। इसके बाद हमने एक इसी का 4 पॉट वाला स्टैंड देखा था अभी पीछे, जी, जो जी, काफी जी। कम जगह में 4 पॉट आ जाते हैं, उसी का ये हल्का सा बड़ा वर्जन है। इसमें 5 पॉट आ जाएंगे आपके, आप देखेंगे टॉप पे और 2 इधर 2 इधर। ऐसे ये वाला वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग हमारा स्टैंड है। ओके, ये वाले में 6 पॉट्स आ जाते हैं और ये भी काफी हैवी क्वालिटी में और काफी सुंदर लगता है। नाइस, फिर ये वापस आप देखेंगे ये भी 6 पॉट का हमारा स्टैंड है। ये इसमें आप देखेंगे नीचे से व्हील का डिजाइन बना हुआ है जी। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 3 पॉट नीचे और 3 पॉट ऊपर रख सकते हैं, तो आपके टोटल 6 पॉट्स हो गए। नाइस, अब ये एक बड़ा ही सुंदर हर्ट शेप का हमारा स्टैंड है। ये थोड़ा साइज में बड़ा आप देखेंगे अगर मेरे हाइट से जी, तो करीबन ही 5 फीट का स्टैंड है जी। इसके अंदर भी आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉट्स इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो लोग सोचते हैं ना कि स्टैंड अगर होगा तो इसमें लंबे हमारे पौधे कैसे आएंगे जी, तो इस वाले स्टैंड के अंदर स्पेस इतनी है, लंबे पौधे बड़े ही आराम से रख सकते हैं जी। अब मैं नेक्स्ट आपको स्टैंड दिखाना चाहूंगा जो कि 4 पॉट, 5 पॉट और 6 पॉट का स्टैंड है। ये बड़ा ही सिंपल और कम जगह घेरने वाला स्टैंड है, इसमें आप आराम से पॉट ऐसे इसके अंदर हैंग कर सकते हैं, तो ये भी एक स्टाइल है स्टैंड रखने का। तो इसमें हमारे पास 3 वेराइटीज हैं, ये 4 पॉट का है ऐसे ही, ये आपका 5 पॉट का है, ये आपका 6 पॉट का है, तो आप ये सारी वैरायटी रख सकते हैं। उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट जो मैंने घर में भी लगा रखा है, ये बास्केट वाला स्टैंड है। वाओ, जैसे नॉर्मली आदमी सोचता है कि बास्केट हम कहीं सीलिंग पे या बालकनी में ही टांग सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं बालकनी के कोने में खड़ा करना चाहते हैं, आपका ग्राउंड फ्लोर है, आप अपने गेट्स के साइड में लगाना चाहते हैं, तो इस तरह की जो वाइट स्टैंड आप खरीदिए और कलरफुल ऐसे बास्केट्स आप लगा देंगे तो बड़ा ही सुंदर लुक देता है जब इसके अंदर हैंगिंग वाले आप पॉट्स लगाए जी। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हैंगिंग में अच्छे चलते हैं, बस उनके लिए बेस्ट वही वाले, उनके लिए बेस्ट है। और इसके अंदर खास बात क्या है कि आप 12 बास्केट आराम से टांग सकते हैं। वाओ, सेम इसी के अंदर, ये थोड़ा सुंदर डिजाइन है, इसी के अंदर हल्का सिंपल डिजाइन भी हमारे पास है सेम, इसके अंदर भी आप कम से कम 12 बास्केट टांग सकते हैं। वाओ, और आप इसको भी लगा सकते हैं, ये भी काफी सुंदर, और आपको इतनी कम जगह में 12 पॉट्स हमारे लग जाएंगे। आप इसमें देखिए ना, अगर हम नॉर्मली देखें तो आपके 4 पॉट्स भी नहीं आ पाएंगे इतनी जगह में, बिल्कुल। और इसमें आप आराम से आप 12 बास्केट टांग देंगे जो कि बहुत ही सुंदर लुक और देता है। एरेशन भी अच्छे से होगा, प्लांट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत सुंदर लुक देंगे। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज मैं आया हुआ था रोहिणी दिल्ली की बालाजी नर्सरी में, जहाँ पे 100+ स्टैंड के डिजाइन मैंने आपको दिखा दिए हैं। कुछ भी स्टैंड की क्वेरी है, किसी के भी आपको रेट वगैरह लेने हैं और ऑनलाइन मंगाना है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी नर्सरी का एड्रेस भी डाल दिया है, कांटेक्ट नंबर भी डाल दिया है, तो आप इजीली इनसे व्हाट्सअप वगैरह पे कॉल करके भी बातें कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट करके भी शॉपिंग कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। काफ़ी टाइम से स्टैंड के लिए क्वेरी आ रही थी, जब मैंने देखा इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे व्यूवर्स ने रिस्पॉन्ड किया तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल वीडियो बनाई गई। फाइनली डिटेल वीडियो आ चुकी है। और आप चाहते हैं अगर इनकी नर्सरी की वीडियोज़ देखना, तो इनकी नर्सरी काफ़ी बड़ी है, आप चाहते हैं इनकी वीडियो देखना
तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। जल्दी मैं इनकी नर्सरी की भी वीडियो लेकर आऊँगा अपने चैनल पर, और यहाँ पर काफ़ी सारी एक्जोटिक प्लांट मिल जाते हैं, उन सभी की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं भारत के अलग अलग स्टेट में भी विजिट कर रहा हूँ, अलग अलग टेरेस गार्डन की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर अक्सर आती रहती हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। और ऑलरेडी अगर आप मेरे चैनल पर आते रहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन भी जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर रोजाना अपलोड होती है। मैं हर दिन सुबह 10 बजे अपने चैनल पर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देता हूँ। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी किसी टेरेस गार्डन पर या नर्सरी में जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ रील्स भी बनती हैं जो कि मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ। आपको काफ़ी कुछ वहाँ पर भी देखने को और सीखने को मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी जाकर जरूर फॉलो करें। और फेसबुक पेज पर भी लाइव जाता हूँ तो आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ, किस गार्डन में हूँ, किस नर्सरी में हूँ। तो आप फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो करें, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, तो फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज सर्विस लेन, बैक लेन जहाँ कूड़ा फेंकते थे। अच्छा, दिस इज सर्विस लेन, ओके। बैक लेन यहाँ यूज रहते, दरवाजे बंद रहते हैं, चलो पीछे, लेकिन अब दरवाजे खुलते हैं। अब ये हमारा फ्रंट है, वो बैक हो गया। रखो, हिम्मत रखो, कोई काम कई कह कैसे करेंगे, कैसे होगा, जस्ट ट्राई टू स्टार्ट। अरे करो तो सही, सब ऊपर वाला कर देता है। अक्सर जाके प्लांट्स के लिए स्टैंड बाय करके लाते होंगे, लेकिन ये सारे वो स्टैंड हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पॉजिटिव होना महत्वपूर्ण नहीं, पॉजिटिव बनना महत्वपूर्ण है। पानी होता है ना जी, बारिश का सीजन होता है, उसमें मुझे सबसे ज्यादा हेल्दी प्लांट हो जाते हैं, वो पानी बहुत अच्छा होता है, ताकत है। रात को लाइट पड़ती है इन द नाइट में, इतना लोग फोकस पड़ता है इस पर लाइट का, लोग वहाँ से जो गाड़ियाँ जाएंगे इसकी फ़ोटो खींचेंगे।